ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा अपने पास, डी एक्स बाय टेन एक्स, डी वाई बाय टेन वाई और डी जेड बाय टेन जेड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लूंगा डी एक्स बाय टेन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय टेन वाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाय टेन एक्स का क्या आता है, क्या लॉग ऑफ साइन एक्स आए और ये अपने पास लॉग ऑफ साइन वन। ठीक है, तो इसको मैं और क्या ले सकता हूं, यहां पे लॉग ऑफ सी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड में आ जाएगा ना ये, और ये अपने पास लॉग सी। तो जब ई रेस टू एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन वाई। तो ये ऐसे ये एक आ गया ना, अगर इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा आंसर, ऐसे ही बता सकते हैं सी टू क्या होगा अपने पास, तो ये एक आ जाएगा अपने पास साइन वाई अपॉन साइन जेड। ऐसे सी थ्री क्या होगा, ये टेन एक्स के साथ आ गई ये, या फिर साइन एक्स अपॉन साइन जेड, ये तीन बन जाएंगे ना, साइन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन साइन जेड और साइन एक्स अपॉन साइन जेड। तो आप कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो, फाई ऑफ साइन एक्स, बट एक बार जेड तो आना चाहिए, तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई और साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, या फिर फाई ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन वाई और साइन एक्स बाय साइन जेड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको ये, और दूसरे फॉर्म में लिखना है तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ साइन एक्स बाय साइन जेड, या फिर ऐसे ही साइन वाई बाय साइन जेड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अपने पास है लैग्रेंजर्स मेथड टाइप वन। ऐसे इसमें अलग अलग टाइप हैं, बट याद रखना है अपने को सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करना है इसको। क्लियर है सबको ये, ये इसी टाइप से हो जाएगा ना, निकालो इसको। लैग्रेंजेस इक्वेशन है ये। पहले बताओ लैग्रेंजेस इक्वेशन है कि नहीं ये, हेलो लैग्रेंजेस इक्वेशन है कि नहीं पहले ये बताओ।
हेलो, आया किसी का? क्या मैसेज करो ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये ऑप्शन करेक्ट है, सबका आ रहा है ऑप्शन। तो सेकंड निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? निकालना रहेगा तो फिर पुट करके चेक करना पड़ेगा, मतलब एक क्या रहा है, एक्स इंटू वाई आ रहा है ना, सेकेंड तीनों में कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो इसके लिए वैसा दिया ही हो। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, तभी वो लोग उसने किसी में दिया नहीं है, मतलब सेकेंड वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें ना अलग अलग टाइप्स आते हैं, उसमें ना मतलब कुछ करके इसको कैंसिल करना पड़ता है, ऐड जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं ना वो टाइप का। बाकी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो होगा नहीं, नहीं डायरेक्ट तो नहीं आएगा ये। हाँ, लैग्रेंजियन इक्वेशन है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, लैग्रेंजियस इक्वेशन है, वही पूछ रहा था पहले। लैग्रेंजियस इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? पी, और उसका कोएफिशिएंट कुछ एक्स वाई जेड का होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ एक्स वाई जेड होगा, वो लीनियर नॉन लीनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें एक्स इंटू वाई आ रहा है, इसमें से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, एक लॉग एक्स राइट साइड में लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो दोनों प्लस में हो जाएगा। लॉग अप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई यही वाला आ रहा है। ठीक है, दोनों का करना रहेगा। तो एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है, मैं जिसको सॉल्यूशन करूंगा ना तो एडजस्ट करके इसको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, उसी में ठीक है, वो कुछ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके फिर वो कैंसिल वगैरह होके आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देखूंगा। वो ना एक्स और वाई को साथ में करके तब होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर ले लेंगे, एक वाई माइनस एक्स आएगा, वाई प्लस एक्स, ऐसे यहाँ पे भी वो जो करते हैं डी एक्स माइनस डी वाई, मतलब दोनों को साथ में इंटीग्रेट करना रहेगा। ये भी लैग्रेंजियस टाइप का है, निकालो इसका। y माइनस जेड टाइम्स पी प्लस जेड माइनस एक्स टाइम्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये p है, ये q, उसका कोएफिशिएंट y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई।
बी आ रहा सबका एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस तो बी डी दोनों ऑप्शन सेम ही दिख रहा है। दोनों ऑप्शन सेम है ना बी और डी। बी आ रहा है सबका, कोई भी एक आ गया ना तो समझ, एक भी आ गया ना समझ में आ गया, सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है फिर उसमें। ठीक है समझ में आया सबका, आया बी, सिर्फ कुछ करना नहीं है, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाई के साथ वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जेड का जेड के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स का एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वो डी एक्स प्लस टी वाई प्लस डी जेड, सबको इंटीग्रेट कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जीरो का क्या आएगा कॉन्स्टेंट सी वन। क्लियर है सबको, तो एक भी आ गया, बाकी तो किसी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है नहीं, तो ये भी एलिमिनेट ये भी एलिमिनेट, तो यही ऑप्शन बचा है। ठीक है विजिबल है सबको ये, अब इसी में कॉची प्रॉब्लम। कॉची प्रॉब्लम में क्या है, सेम ऐसे ही अपने को सॉल्यूशन पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है तो पहले जैसे लेट अपने पास ये गिवन होगा, p स्मॉल p q स्मॉल q इज इक्वल टू r, अगर लैग्रेंजेस टाइप का कोई अपने को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास सपोज ये आ गया। ठीक है तो पहले तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब अपने को क्या होगा, कुछ कंडीशन गिवन होगा, ये जो कर्व है ना ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है तो अगर अपने पास कुछ कंडीशन दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको पैरामीटराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो एक्स दिया होगा कंडीशन में उसको हम लोग कुछ एक्स ऑफ टी के फॉर्म में लिखेंगे, y को भी कुछ t के फॉर्म में लिखेंगे, z को भी कुछ t के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पैरामीटराइजेशन t में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है, c1 और c2 के बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है बस अपने को यही मेन काम करना है कि c1 और c2 के बीच में रिलेशन मिल गया, बस यही करना है, और फिर c1 c2 के बीच में रिलेशन आ गया ना तो c1 c2 की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जैसे हम लोग ने सॉल्व किया लैग्रेंजेस टाइप, पहले सॉल्व करो, कुछ कंडीशन गिवन होगी, जैसे अगर ये दिया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यू कुछ अपने पास सपोज एक्स स्क्वायर दिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं एक्स को टी पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे मान लो कुछ वन दिया है तो ये क्या आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, और यू की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग टी स्क्वायर, तो सब टी में कन्वर्ट हो गया अपने पास। क्लियर है सबको ये, बस अब ये जो सारी वैल्यू मिलके इसको सॉल्यूशन में डाल दो, उसके बाद अपने को सी1 सी2 के बीच में रिलेशन आएगा, एक बार सी1 सी2 के बीच में रिलेशन आ गया ना फिर हम लोग आगे उसका सॉल्यूशन निकालें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, पहले इसका सॉल्यूशन निकालो क्या आ रहा है। ठीक है इसका सॉल्यूशन निकाल रहा है और वो पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू वन,
पहले सॉल्यूशन निकालो इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मल्टीप्लायर्स क्या लिए इसमें? माइनस ही ले रहा हूँ ना, माइनस माइनस प्लस जाएगा ना फिर वो। जीरो आ रही है, इसको प्लस ही लो ना, इसको क्यों माइनस ले रहे हैं? ये तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो ऐसे सिर्फ प्लस लो। प्लस लेंगे तो ये माइनस ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई जेड स्क्वायर क्यों आएगा? इसको क्यों मल्टीप्लाई, इसको जेड से मत मल्टीप्लाई करो, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लायर क्या ले रहे हो? एक तो मल्टीप्लायर क्या आ रहा अपना, एक्स से मल्टीप्लाई करो वाई और माइनस वन, एक तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, एक ये मल्टीप्लायर आ रहा है, तो इससे जब मल्टीप्लायर करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई का वाई स्क्वायर आएगा और फिर इसके बाद जेड वन इज इक्वल टू सी वन, ये टाइप में आएगा। तो ये जो टू कॉन्स्टेंट है इसको ये साइड लेके आ जाओ, ठीक है, ये आ रहा है सबका सी वन, और दूसरा क्या मल्टीप्लायर्स लेंगे जीरो के लिए। दूसरा एक काम करते हैं, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड और एक्स स्क्वायर माइनस
जेड, ये भी जेड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक को क्या ले लोगे अपने पास, 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई और 1 बाय जेड। ठीक है, क्लियर है सबको ये? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इससे ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहां से जेड और माइनस जेड कैंसिल ना। ये समझ में आ रहा है सबको? किससे मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर अपने को जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सारे जब सबको ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं इसको एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये पूरा कैंसिल, इसको वाई से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जेड से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर से ये -वाई स्क्वायर कैंसिल जीरो, ये जेड और ये -जेड कैंसिल, उसके बाद ये और क्या बचा, ये -x² और ये +x², सब कैंसिल हो गया। क्लियर है सबको ये? तो ये दो मल्टीप्लायर आ रहा है अपने पास, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मल्टीप्लायर को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, x² / 2 प्लस y² / 2 -z। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 कॉन्स्टेंट के साथ जाएगा और एक 2 इसके साथ जाएगा, मतलब -2z। तो एक अपने पास c1 आएगा, x² प्लस y² -2z। सी टू क्या आएगा, जब मैं इसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड करूंगा तो मतलब तो सिंपल XYZ आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये तो अपने पास लैग्रेंजेस टाइप से आ गया ये। अब क्या करना है अपने को, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, और सॉरी C1 C2 तो अपने पास आ गया, ये एक C1 आ गया X² प्लस Y² -2Z, और C2 क्या आ गया अपने पास XYZ। अब अपने को पैरामीटराइज इसका जो सॉल्यूशन है, अच्छा ये चीज मैंने बताया था ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है ना वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये एक आर स्क्वायर के अंदर एक कर्व होता है, यहां पे हम लोग जो निकालते हैं y एक सॉल्यूशन आएगा जो कि x और y का फंक्शन है। तो ये जो आर क्यूब के अंदर बनता है ये एक इंटीग्रल सरफेस बनता है। ठीक है, तो कहीं भी इंटीग्रल सरफेस लिखा है इसका मतलब इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है ना वो आर क्यूब के अंदर एक सरफेस होता है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटीग्रल सरफेस। ठीक है, तो जो इंटीग्रल सरफेस आ रहा है वो कहां से पास हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूंगा, तो x को t पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया, तो y क्या हो जाएगा माइनस टी, और z को 1 दिया है। तो ये मेरे पास किस में आ गया, x भी t के फॉर्म में आ गया, y भी t के फॉर्म में आ गया, और z भी t के फॉर्म में आ गया। अब अगर मैं इसको यहां पे पुट करता हूं तो C2 क्या आ जाएगा मेरे पास, t माइनस टी इंटू 1, तो ये आ जाएगा -t² और C2 क्या आ जाएगा जब ये पुट करेंगे तो t² और ये -t मतलब 2t² और ये आ जाएगा -2। क्लियर है सबको यहां तक, मतलब 2 टाइम्स t² - 1। अब कुछ रिलेशन बना सकते हैं इसके बीच में हम लोग, मैं जहां पे टी स्क्वायर लिखा है उसके प्लेस में -c2 लिख सकता हूं। तो जहां पे टी स्क्वायर लिखा है मैं उसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, -c2 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा c2 - c2 - 2, तो देयर फोर c2 ये क्या था अपने पास, ये c1 है ना, तो c1 इज इक्वल टू -2 c2 - 2, तो ये आ जाएगा अपने पास c1 प्लस c2 इज इक्वल टू -2। यहां तक क्लियर है सबको, ये हो गया। और C1 C2 की वैल्यू अपने को पता है, C1 क्या है अपने पास, C1 इज इक्वल टू X² प्लस Y² -2Z प्लस 2 टाइम C2 क्या दिया था, XYZ - 2। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, X² प्लस Y² -2Z प्लस 2 टाइम्स XYZ इज इक्वल टू -2।
तो ये सॉल्यूशन है। अब इसमें कहीं पे भी किसी को कुछ कांस्टेंट भी नहीं है, इसमें कांस्टेंट दिख रहा है कुछ, इसमें किसी को नहीं। अब अगर अपने को वैल्यू पूछते हैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू देके, जैसे अगर पूछे कि Z12 निकालना है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, Z00 पूछा वो भी निकाल सकते हैं। बट याद रखना है ऐसा वैल्यू पुट करना जिससे ये जीरो ना हो, ये पुट नहीं कर सकते। तो याद रखना है एक्स वाई इज नॉन जीरो, क्योंकि जीरो पुट नहीं आ जाएगा ना, फिर भी एक जेड तो बचेगा ही, तो फिर पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको ये? इसमें सेट में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन नेट में आया ना तो नेट में हमेशा डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे, उसमें हमेशा ये पूछेंगे, एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें पूछेंगे कि Z12 क्या होगा, Z00 क्या होगा, यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, लैग्रेंजस मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और जहां से भी कर्व पास हो रहा है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो टी की वैल्यू है या फिर जो एक्स वाई टी है उसको यहाँ पुट करके C1 और C2 के बीच में रिलेशन निकालना। अगर C1 C2 के बीच में रिलेशन आ गया, उसके बाद C1 की वैल्यू पुट कर देंगे और C2 की वैल्यू, तो वहां से मेरा C1 C2 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, C1 C2 भी एलिमिनेट हो गया और T भी एलिमिनेट हो गया, तो वो अपने पास सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये उसी का है ना, U1 U2 भी तो नहीं, ये भी नहीं। अच्छा ये है ना, कौन सी प्रॉब्लम है ये? द इंटीग्रल सरफेस। इंटीग्रल सरफेस मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सेटिस्फाइंग द पीडी मतलब इस पीडीई को सेटिस्फाई करने वाला, मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कहाँ से पास हो रहा है, एक सर्कल से पास हो रहा है और एक प्लेन से पास हो रहा है। ठीक है, अब ये इसको पहले इसका पैरामेट्रिक फॉर्म करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म करके इसका C1 C2 निकालेंगे, C1 C2 के बीच में रिलेशन, फिर वैल्यू पुट कर देंगे C1 C2, तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। निकालो ये। पहले इसका सॉल्यूशन निकालो, इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका? क्या एक्स प्लस प्लस आएगा? बट चेक करो पहले। सॉल्यूशन क्या आ रहा है एक बार बताओ, C1 क्या आ रहा है सबका? C1 C2 C3 तीन आएंगे। सबका आ रहा है यही, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन जेड और वाई अपॉन जेड, जिसमें से कोई भी दो लेके सॉल्व करो। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो,
सेटिस्फाइंग। रुको ना, एक क्वेश्चन चेक कर देना, मेरे को डाउट हो रहा है क्वेश्चन राइट है कि नहीं। रुको मुझे क्वेश्चन चेक करना था एक बार। कौन से ईयर का ये? 2016। ये मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पे जेड नहीं रहेगा। एक काम करो, इसको जेड को सर्कल बोला है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो जब x को t पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा अपने पास? रूट फोर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा शायद। सी टू सी टू इन्फाइनिट हमारा मतलब? हाँ। जेड को जीरो नहीं बोल रहा हूँ, ये टर्म नहीं होगा ऐसा। सर्कल है ना, तो सर्कल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन 2016। कंप्लीट इंटीग्रल कौन सा क्वेश्चन है ये?